हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल एनसीईआरटी अल्ला। और मैं हूं आपके साथ मिस्टर एमएस। तो आज हम आपको जो चैप्टर लेकर आए हैं वो आपका है सेवन्थ क्लास का, आपके एनसीईआरटी का, न्यूट्रिशन इन प्लांट। जो प्लांट में होता है वो किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, मतलब प्लांट्स किस तरीके से अपने आप को नरिश करते हैं, मतलब कैसे वो अपने देखिए खाना लेते हैं, कैसे वो बढ़ते हैं, ये सब हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखिए, आपका इन क्लास सिक्स आपने पढ़ा है कि भाई मैं आपको उसको केवल मैं लाइन टू लाइन ही आपको हिंदी बताऊंगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। आपने पढ़ा है कि भाई जो फूड हमारा होता है वो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरत होता है। भाई हम ये भी पढ़ चुके हैं जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है और मिनरल्स हैं, ये फूड के क्या होते हैं, खाने के कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब हमारे जो खाना होता है उसमें पाए जाते हैं। ये कंपोनेंट्स जो हमारे होते हैं इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट्स पोषक जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें रिक्वायर होता है, मतलब खाने की ज़रूरत होती है। और प्लांट्स हमारा खाने को, मतलब कि सिंथेसिस खाने को बना लेते हैं अपने आप, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं, आदमी भी, वो नहीं बना पाते हैं। यदि आप कहो कि आदमी अपने आप खाना बना लेता है तो नेवर, कभी नहीं बनाता है, वो केवल दूसरों का बनाया हुआ ही खाना खाता है। प्लांट्स ने अपना खाना बनाया, उसको ह्यूमन काट के लिया आता है और खुद बनाता है। तो ये सब जो होता है हमारा भाई प्लांट्स है, जो एनिमल्स है हमारे जो खाना वो खा लेते हैं। तो इस तरीके से जो ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स में, मतलब प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि निर्भर होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई न्यूट्रिशन कैसे कैसे लिया जाता है, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्लांट्स में न्यूट्रिशन का क्या मोड होता है। भाई प्लांट्स केवल ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारा खाना बनाता है अपने आप, वाटर किसी चीज का इस्तेमाल करता है, पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल्स का। भाई मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे कि उसमें हम लोग खाद देते हैं, लगाते हैं ना, गोबर वाला खाद या फिर नाइट्रोजन वाला वो खाद, ठीक है ना, यूरिया वाला। तो ये सब रॉ मटेरियल जो होते हैं प्रेजेंट हमारे जो आसपास होते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई हम लोग देखते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रिशन से बढ़ती है, जो हमारे कोई पार्ट यदि हमें चोट लग जाए वो इसी से हमारी रिपेयर होती है, ठीक है ना बॉडी, और इससे हमें एक एनर्जी मिलती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, तो न्यूट्रिशन जो ना एक हमारा एक मोड होता है, एक तरीका होता है हमारी बॉडी को नरिश करने का, हम लोग मतलब उसको पढ़ाने का, तो उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो यूटिलाइजेशन जो हमारे द्वारा बॉडी के द्वारा जो होता है, बाई चांस हमने सेब खाया, सेब में जितने भी प्रोटीन हुए, जितने भी विटामिन हुए, वो हमारे पूरे शरीर में चले गए, तो इसी को हमने क्या कहा, न्यूट्रिशन कहा, ठीक है ना। ये जो न्यूट्रिशन होता है ऑर्गेनिज्म में, ये अपने आप होता है भाई। सिंपल जो हमारे जिन जो ये मान लीजिए आप जो लिविंग थिंग्स अपना मतलब कि न्यूट्रिशन खुद करते हैं, ठीक है ना, अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, सेल्फ ट्रॉप्स, अपना मतलब कि खुद नरिशमेंट करते हैं। और वे जानवर जो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो दूसरों के बनाए हुए खाने पर मतलब कि हाथ डालते हैं या फिर उन्हें लेते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे कि आदमी, ठीक है ना, जानवर जितने भी होते हैं। अब हम भाई इसके बारे में खाना मतलब कि फूड फैक्ट्री प्लांट्स को कहा जाता है, ठीक है ना। ये हमारे मतलब कि खाना जो होता है प्लांट्स के पूरे मतलब पूरे प्लांट्स में बनता है, ठीक है ना, और किसी किसी प्लांट में किसी किसी हिस्से में बनता है। अब ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, कहाँ से कच्चा माल लेकर आते हैं, कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में, हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस आप लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट, मतलब कि जो खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में, उसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं खाने की, वो उसकी फूड फैक्ट्री होती हैं, मतलब खाना उन्हीं में बनता है। जो रसोई एक प्रकार से मान लीजिए जो प्लांट्स की होती हैं, वो पत्तियां होती हैं। तो जो रॉ मटेरियल होता है वो पत्ती तक मतलब कि पहुंचना चाहिए। हम लोग पत्ती में तो पानी नहीं लगाते ना, हम लोग जड़ में लगाते हैं। अब जड़ से कैसे वो ऊपर तक पहुंचेगा, ये इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड तो वो हवा से ले लेती है, क्योंकि पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, उसके निचली सतह पर होते हैं। तो ये जो ना ये पोर्स, उसको गार्ड सेल भी कहते हैं उसको, और ये उसकी क्या करते हैं, मतलब कि CO2 उसको अंदर चली जाती है एक प्रकार से, नाक का काम करते हैं ये स्टोमाटा। स्टोमाटा पता होना चाहिए, मैं आपको पूछूंगा तो स्टोमाटा क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। और देखिए, हमारा एक दोस्त है वो बूजो, वो हमसे कुछ पूछ रहा है, बूजो हमसे पूछना चाह रहा है कि भी वाटर और मिनरल जो
हमने पत्तियों से मतलब कि पेड़ ने को हमने दिया, वो ऊपर तक कैसे पहुंचा भी? तो वाटर और मिनरल जो ट्रांसपोर्ट होता है इस पेड़ के अंदर वेसल्स होती हैं, एक प्रकार से मान लीजिए पाइपलाइन बिछी भी होती है, जो पाइपलाइन उसको मतलब कि जो एक पाइप्स की तरह होती हैं और वो जड़ से लेकर उसकी पत्तियों तक होती हैं, जो हमने पानी लगाया वो उन पाइपलाइंस के थ्रू उन वेसल्स के थ्रू वो हमारा उसके पत्तियों तक पहुंचता है, उसके ब्रांचों तक होते हुए, और वो उसके तने में होती हैं, ठीक है ना, तने से होते होते वो वहाँ तक जाती हैं, और ये कंटिन्यूस होता है, एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स जो है ना सारे के सारे पत्तियों तक पहुँचते रहते हैं, तो इन्हें हम वेसल्स कहते हैं, कॉल्ड वेसल्स। दे मस्ट लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल, हमने जो चैप्टर है हम उसमें 11 में हम इसको बारे में और कहेंगे। देखिए एक हमारी सिस्टर है पहेली, वो क्या कह रही है, पहेली ये जानना चाह रही है कि भाई जो पत्तियों के बारे में जो स्पेशल है भाई सिंथेसिस फूड, बट लेकिन और पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट, भाई अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट, भाई पत्तियों में ही ऐसा क्या है कि वही खाना बना पाते हैं, उसका और हिस्सा नहीं बना पाता, क्या आपके मन में क्वेश्चन है? तो हम आइए हम इसके पहली जो हमारी सिस्टर है उसका हम क्वेश्चन का पता करने की कोशिश करते हैं। तो जो पत्तियां होती हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होता है, पत्तियां हरी होती है ना, तो उनमें ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो एक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं, और उन्हीं पत्तियां हरी होने के कारण उसमें जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर जो ना वो हेल्प करता है, जो एनर्जी होती है ना सन की जो एनर्जी होती है उसको कैप्चर करता है, और दिस एनर्जी उसी एनर्जी का वो यूज़ करता है खाना बनाने के लिए, किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और पानी की मदद से। तो इस तरीके से जो फूड का जो सिंथेसिस होता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की में, तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। समझ आ गया ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है, खाना बनाने का प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट एंड वाटर, तो उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब बनाना। तो हम इस तरीके से हमने क्लोरोफिल और सनलाइट के बारे में हमने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी हमारे जरूरी होते हैं मतलब कि इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में। अब एक ये एक पृथ्वी पर जो ना एक यूनिक प्रोसेस होता है, प्लांट के अलावा इस प्रोसेस को जो ना और कोई कर ही नहीं सकता है, यदि इंसान चाहे कि मैं इस प्रोसेस को कर दूं, वो कभी नहीं कर सकता है, यूनिक प्रोसेस है हमारा पूरा। तो इस तरीके से जो सन है वो एक हमारा अल्टीमेट सोर्स हो गया एनर्जी का, मतलब सारे लिविंग थिंग्स को सन की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए, ये अल्टीमेट सोर्स है, इसके अलावा दूसरा कोई सोर्स बड़ा सोर्स नहीं है। अब हम बस सोच सकते हैं कि अर्थ पे यदि फोटोसिंथेसिस ना हो, तो देखो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट पे खाना नहीं बनेगा, प्लांट का खाना नहीं बनेगा तो आदमी क्या खाएगा, आदमी नहीं खाएगा तो आदमी मर जाएगा, मर गया तो पृथ्वी समाप्त। इन द एब्सेंस ऑफ नहीं तो हमारे यहाँ पे कोई खाना नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरीके से ये सब हमारा सबको डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जो लिविंग थिंग्स होती हैं इस फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये मतलब कि लाइफ इम्पॉसिबल है, यदि फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो सब लोग मर जाएंगे। फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है कि क्लोरोफिल जो होता है ना उसमें कुछ सेल्स होती हैं लीव्स में, अब वो जो क्या करती है सनलाइट में वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती हैं और वाटर का इस्तेमाल करती हैं खाना बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का, और इस प्रोसेस को ये जो इक्वेशन है ना हम इस इक्वेशन के द्वारा दिखा सकते हैं, भाई कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें मैंने वाटर ऐड करा और क्या हुआ सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से क्या बन गया कार्बन कार्बोहाइड्रेट और प्लस ऑक्सीजन। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है यही हमारा एक एनर्जी गिविंग होता है, इसी से हमें एनर्जी मिलती है और यही हमारे शरीर को मतलब कि एनर्जी देता है, और जो इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो प्लांट से बाहर निकल जाती है और उसका इस्तेमाल हम लोग सांस लेने में करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपके पास चित्र है, आपका ये गार्ड सेल होती है, ये स्टोमाटा का एक चित्र दिखाया गया है ये जो है, ठीक है ना, इसमें ये आसपास गार्ड सेल होती है, ये पत्ती होती है, पत्ती के ऊपर ये स्टोमाटा होता है, और स्टोमाटा को भी और जूम करके आपको दिखा दिया गया है। ठीक है बहुत अच्छे, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए ये आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस दिखाया गया है, इस प्रोसेस में क्या होती है ऑक्सीजन बाहर निकलती है और ठीक है ना, और बाकी का जो होता है वो स्टार्च, इसमें इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें स्टार्च बन जाता है जो हमारी पत्तियों को बताता है कि हमारे इसके अंदर मतलब खाना बन रहा है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, हम दो पत्तियां लेंगे भाई, हम लोग देखते हैं कि भाई हमने क्या करा कि हमने दो तरीके की पत्ती देखी, एक तो हमने रखी वन इन डार्क, एक तो अंधेरे में रखी या फिर एक काले बक्से में रखी 72 आवर के लिए 3 दिन के लिए, और एक हमने सनलाइट में रखी। तो हम लोग देखते हैं कि भाई जो परफॉर्म आयोडीन टेस्ट, फिर हमने एक आयोडीन टेस्ट रखते हैं, हम आयोडीन टेस्ट को हम उस पत्ती पे आजमाते हैं, जो पत्ती हमने एक अंधेरे में रखी थी और एक पत्ती जो हमने उजाले में रखी थी, हम लोग देखते हैं कि हम अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करते हैं। जो पत्ती हमारी एक मतलब कि जो पॉट में थी, जो हमने पहले मतलब कि अंधेरे में रखी थी सनलाइट में, हम उसमें देखते हैं जब उसको हम आयोडीन टेस्ट करते हैं इट्स लीफ पे, तो
तो हमने ऑब्जर्वेशन में क्या देखा कि जो लीव्स है भाई वो ग्रीन आल्स, मतलब कि उसमें हमने ऑब्जर्व करेंगे कि आयोडीन का यदि प्रेजेंस होता है तो आयोडीन का कलर मतलब कि डार्क ब्लैक हो जाता है वहाँ उस पत्ती पर डालने पर, तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है, और यदि डार्क ब्लैक नहीं होता है तो इसका मतलब स्टार्च नहीं है, ठीक है। तो द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, लेकिन आप लोग कहेंगे कि भी कुछ पत्तियाँ तो हरी नहीं होती हैं, फिर उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है क्या? होता है, ठीक है ना, लेकिन वो लार्ज अमाउंट ऑफ द रेड ब्राउन और ये जो अलग अलग पिगमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस इन्हीं के मतलब कि लीव्स में, इनमें भी होता है भाई। हम ग्रीन पैचेस इन द इसमें कुछ कुछ देखो, आप देखोगे कि जरूर ग्रीन ग्रीन इसमें हिस्सा होता है, ये जो इसका ग्रीन ग्रीन हिस्सा होता है ना यही उनको फोटोसिंथेसिस कराता है, ठीक है ना। यही हमारे ऑर्गेन जो जैसे कि हमारा जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी, एल्गी आपने देखी होगी, ठीक है ना, तो एल्गी आपने देखी होगी वहाँ आपके नल के साइड में या ट्वेल वगैरह पर लग जाती है, तो आप सोच सकते हैं उसके अंदर कितना क्लोरोफिल होता है विच गिव्स देम टू ग्रीन कलर, तो ठीक है ना। ये कुछ ऐसी होती हैं वो दूसरे प्लांट्स की मदद करती हैं, मतलब उन्हें फोटोसिंथेसिस कराने में। एल्गी भी हमारा मतलब कि खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट है हमारा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर देन कंपोनेंट ऑफ द फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट, बट प्रोटीन लेकिन प्रोटीन जो होता है हमारा नाइट्रोजन नाइट्रोजन सब्सटेंस होता है जो विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें क्या होती है नाइट्रोजन होती है। फ्रॉम वेयर द प्लांट्स कंटेन नाइट्रोजन, अब प्लांट्स को ये नाइट्रोजन कहाँ से आती है भाई? हमने पता करा कि नाइट्रोजन जो है इसमें मतलब बनता है ये हमारा मतलब कि उसके खाने के अदर कंपोनेंट्स को बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ध्यान करो नाइट्रोजन हमारा जो हमारे ये होता है ना नेचर, इसमें बहुत सारी नाइट्रोजन पाई जाती है एयर में, और ये प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म, तो नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, सोइल है, लेकिन मिट्टी में कुछ हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो उस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को वो नाइट्रस ऑक्साइड में बदल देते हैं, उसका जब हम उसे पानी लगाते हैं वो पानी के साथ नाइट्रस ऑक्साइड मिलके वो प्लांट में चला जाता है और प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाती है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का जो सिंथेसिस होता है वो फल वगैरह और प्रोटीन बनाने में हमारा जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है पेड़ के अंदर, ठीक है ना, उसकी सारी रिक्वायरमेंट जो नाइट्रोजन की होती है इस तरीके से वो उसे मिल जाती हैं। लेकिन अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट के अंदर क्या और भी तरीका होता है,